नमस्कार, S4 नोट में स्वागत है। और आज से हम लोग एक नया बुक को पढ़ेंगे और यह बुक है एडुटेरिया करेंट अफेयर 2021 वार्षिकी से। और इस बुक में हम लोग जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के पूरे एक साल का संपूर्ण घटनाओं को देखेंगे जो आगामी होने वाले एग्जामों में, जैसे कि NTPC, BPSC या फिर किसी भी स्टेट का PCS का एग्ज़ाम हो, या फिर बिहार दरोगा, बैंक या फिर किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए यह बुक करेंट अफेयर के मामले में इनफ है। तो आज देखेंगे एडुटेरिया करेंट अफेयर 2021 का पहला प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट नंबर एक। पहला प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पल कुमार सिंह को। लोकसभा के महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली क्राइम इसका उत्तर होगा। और दिल्ली क्राइम ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 जीता है। अगला प्रश्न है कि चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल के खाड़ी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, निवार तूफान के उत्पत्ति क्षेत्र बंगाल के खाड़ी। अगला प्रश्न है कि 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश ने किया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा मलेशिया ने किया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी मलेशिया ने किया है। अगला प्रश्न है कि भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास सिम्बेक्स 20 का 27वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान सागर इसका उत्तर होगा, सिम्बेक्स 20 का 27वां संस्करण। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 ATP टूर फाइनल का खिताब जीता है? 2020 ATP टूर फाइनल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनियल मेदवेदेव ने। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविशंकर प्रसाद ने उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। असम इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवि थे। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कथा साहित्य
फिक्शन के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? 2020 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डगलस स्टुअर्ट को। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में महिला उत्कर्ष योजना शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि ट्रेस मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कहाँ है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 77वां। ट्रेस मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 77वां है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? PMFME योजना, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय से संबंधित है PMFME योजना। अगला प्रश्न है कि दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों के सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान कहाँ है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 63वां। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों के सूची में भारत का सुपर कंप्यूटर जो परम सिद्धि है उसका स्थान 63वां है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मॉल्डोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल किया है? मॉल्डोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल किया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैया सैंडू। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। मैया सैंडू ने मॉल्डोवा में हुए राष्ट्रपति चुनाव पद के लिए जीत हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया है? नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है कि मिले मुझको गांधी और द गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल सरकार के द्वारा। नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया है कि मिले मुझको गांधी और द गांधी एज आई अंडरस्टूड। अगला प्रश्न है कि किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देह बिचवा करनी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाला साहेब विखे पाटिल के द्वारा देह बिचवा करनी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में मोदी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.8% रहने का दर लगाया है IMF। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच WEF के वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया है? विश्व आर्थिक मंच WEF के वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया?
इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा द ग्रेट रिसेट इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लूल नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरक्षा कवच नामक आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लूल नगर में किया। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत किया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत किया। अगला प्रश्न है कि 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता है? फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राफेल नडाल। राफेल नडाल ने 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता। अगला प्रश्न है कि स्वामित्व योजना पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 राज्यों का चयन स्वामित्व योजना के लिए पहले चरण के लिए किया गया। अगला प्रश्न है कि 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में इग्गा स्वियातेक ने किसको हरा करके महिला एकल खिताब जीत लिया है? इग्गा स्वियातेक ने, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोफिया केनिन को हरा करके इग्गा स्वियातेक ने फ्रेंच टेनिस ओपन का खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है कि फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी युवा मूर्तो ने फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए प्रधानमंत्री पद संभाला था। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज LAS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ICICI बैंक ने। ICICI बैंक जो है वह डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानन पत्तनम प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुडुचेरी हवाई अड्डा जो है वह सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमान पत्तनम प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बना है। अगला प्रश्न है कि प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू करने की घोषणा किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के द्वारा प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया गया, उसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द भेरी एस्ट्रामेली मोस्ट नाउटी असुरा टाइल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका उत्तर क्या होगा?
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद नीलकोंतन। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौ सैनिक अभ्यास बोगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है। नौ सैनिक अभ्यास है बोगो सागर, इसका दूसरा संस्करण कहाँ हुआ, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल के उत्तरी खाड़ी में। बंगाल के उत्तरी खाड़ी में बोगो सागर का दूसरा संस्करण हुआ और बोगो सागर जो है वह नौ सैनिक युद्धाभ्यास है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन मिशन यानी असेम ASIIME लॉन्च किया गया है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थावरचंद गहलोत के द्वारा असीम ई लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय रेलवे जोन के द्वारा हाल ही में पूरे सफ़र के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत किया है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया। कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुधियाना में। लुधियाना शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में। हरियाणा राज्य के द्वारा शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द डिसिपल को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023 तक भारत को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने घोषणा किया है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 250 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश के सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा किया है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य में देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा किया है। अगला है कि हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा किस क्षेत्रों को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का घोषणा किया गया है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी गिलगित बाल्टिस्तान को पूर्ण क्षेत्र प्राप्त करने का दर्जा पाकिस्तान के द्वारा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के अवसर पर मजरहाट पुल का नाम बदल करके जय हिंद पुल कर दिया गया है, और जय हिंद पुल किस राज्य में है या फिर मजरहाट पुल किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में जय हिंद पुल या फिर मजरहाट पुल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधेयक पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बोरिस जॉनसन को। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। बोरिस जॉनसन जो है वह गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों के सूची में शामिल किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत शहरों के सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और इस बुक का PDF बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से जा करके इस बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।